स्वागत है दोस्तों आप सभी का YouTube चैनल इम्परफेक्ट वीडियोज में। राह मंदिर की सीरीज के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस सीरीज के आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं बागेश्वर जिले से लगभग 20 किलोमीटर दूर बैजनाथ मंदिर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नई अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों बैजनाथ मंदिर कुमाऊं कत्यूरी राजाओं द्वारा बागेश्वर जिले में करीब 1150 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे पर बनाया गया था। बैजनाथ को पहले कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था जो कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में कत्यूरी वंश की राजधानी हुआ करती थी। ये मंदिर विशाल पत्थरों से बना हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सिर्फ एक रात में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि शिव और पार्वती ने गोमती और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर विवाह रचाया था जहां पर कि ये मंदिर स्थित है। बैजनाथ मंदिर प्रमुख रूप से भगवान शिव शंकर को समर्पित है, साथ ही यहां पर गणेश, पार्वती, चंडिका सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। ये मंदिर भारत के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कौसानी से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्तराखंड में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस मंदिर के साथ ही एक मानव निर्मित सुंदर झील भी यहाँ पर विशेष आकर्षण का केंद्र है। साथ ही इस मंदिर परिसर में एक गोलाकार पत्थर भी आकर्षण का केंद्र रहा करता था जिसे महाभारतकालीन पांडव भाइयों में से भीम की गेंद कहा जाता था। इस पत्थर को दो हाथों से उठा पाना किसी भी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं होती थी, लेकिन चमत्कारी ढंग से जब 9 लोग अपनी एक एक उंगली से इसे उठाने की कोशिश करें तो ये आसानी से उठ जाया करता था। लेकिन अगस्त 2020 में किन्हीं कारणों से ये गेंद टूट गई थी। ये मंदिर भगवान शिवशंकर भोलेनाथ को समर्पित है तो यहाँ पर शिवरात्रि और सावन के महीने में तो श्रद्धालु आते ही रहते हैं और इसके अलावा कई तीज त्योहारों पर यहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं। और इस मंदिर के प्रति अगर श्रद्धा की बात की जाए तो स्थानीय लोगों के अलावा देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते रहते हैं। तो दोस्तों बैजनाथ मंदिर से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट जरूर कीजिए। इसके साथ ही इस चैनल के बारे में अपने सुझाव भी आप जरूर साझा कीजिए क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो राह मंदिर की सीरीज के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।